इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एनआईए को सौंपेगा एक करनाल में पकड़े गए आतंकी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। चारों आतंकियों को एनआईए को सौंपा गया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हरियाणा पुलिस ने गहनता से पूछताछ की है। आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने में सफलता मिलेगी। तो बड़ी खबर, एनआईए को सौंप दिए गए हैं करनाल में पकड़े गए चारों आतंकी। अमित शाह का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने जानकारी दी है कि चारों आतंकियों को एनआईए को सौंप दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने उन चारों आतंकियों से गहनता से पूछताछ भी की है और इससे आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने में सफलता मिली। उसमें हमारी हरियाणा पुलिस ने सारी काफ़ी तफ्तीश की है। अब उस केस को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। हाँ, यकीनी तौर पर, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है और इनकी मल्टी स्टेट एक्टिविटीज़ पकड़ी गई हैं, कई जगह पर इन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं और काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो एनआईए के पास जाने से और जानकारियां इसमें निकाली जा सकती हैं, हासिल हो सकती हैं और इनके नेटवर्क को और अंदर तक जाके तोड़ने में सफलता मिल सकती है। सुना आपने गृह मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने जानकारी दी कि चारों आतंकियों को एनआईए को सौंप दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, चारों आतंकियों को एनआईए को सौंप दिया गया है, गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस बात की जानकारी दी है। जी बिल्कुल, ये हरियाणा के करनाल में जो सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था और इनके कब्जे से काफी जो है संदिग्ध सामग्री भी मिली थी और इनकी जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने फिलहाल जो है इनसे पूछताछ कर ली थी, लेकिन ये बड़ा मामला है, इसी वजह से जो है इनको एनआईए के हवाले करना किया गया है और एनआईए जो है अभी चारों आतंकियों को अपने साथ दिल्ली ले गई है और वो इनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि ये जो मामला है ये मल्टी स्टेट एक्टिविटी का मामला है। इसलिए अनिल विज का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इसकी एनआईए द्वारा पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको केस को हैंडल करने के लिए जो है किसी और इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए ही जो है वो सफिशिएंट एजेंसी है। जी, तो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब एनआईए और हरियाणा पुलिस एक साथ आ चुकी है। राजकुमार, तो जिस तरह से अनिल विज ने भी बात कही है कि आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने में इससे सफलता मिलेगी जब एनआईए खुद पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अनिल विज का कहना है कि एनआईए जो है वो काफी सफिशिएंट एजेंसी है और इसके सोर्सेज जो है वो बहुत दूर तक हैं और हालांकि उसके साथ जो कई ऐसी एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, गुप्तचर एजेंसियां जुड़ी हुई हैं जो इस मामले की गहनता से जांच करेगी। हालांकि हरियाणा पुलिस ने भी इनसे जांच की है, लेकिन एनआईए जो है उसके द्वारा जांच की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी है और इस एजेंसी के जो सोर्सेज हैं वो भी काफी दूर तक सीमित बताए जाते हैं। शुक्रिया राजकुमार शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, एनआईए को सौंपे गए करनाल में पकड़े गए चारों आतंकी। अब इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस और एनआईए मिलकर काम कर रही है।